बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए वनीला स्पंज केक की रेसिपी लाई हूँ। इसे हम बगैर ओवन के बनाएंगे और ना ही हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लेंडर या किसी भी फैंसी टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जल्दी से अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया, इसमें मैं 2 पूरे अंडे क्रैक करेंगी और 1 खाली एग योक हम इसमें शामिल करेंगे। तो आपको सारी रिटर्न रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये मेरा गया पहला अंडा, फिर इसको हम अपने बॉल में शामिल कर देंगे। और अंडे आपको याद है रूम टेम्परेचर पर हों, और अंडों को पहले का आप एक अलग बॉल में क्रैक करें फिर अपने बॉल में शामिल करें, तो जाएगा दूसरा अंडा। अगर आप अंडों को फ्रिज से निकालना भूल गए और आपको उसी वक्त केक बनाना है तो फिर आप अंडों को 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी के बॉल में शामिल कर लें, तो वो 15 मिनट के अंदर रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। अब पानी आप नीम गर्म लीजिएगा कि ना हो ज़्यादा गर्म और अंडे बॉयल हो जाएं। तो अब मैंने डाला है इसमें 1 एग योक और फिर इसको अब हम अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट विस्क कर लेंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप की जितनी चीनी। अब मैंने यहाँ पर चीनी पीसी हुई नहीं ली बल्कि नॉर्मल ग्रैनुलेटेड चीनी इस्तेमाल की है। और आप एक साथ चीनी बिल्कुल मत डालिएगा बल्कि थोड़ी थोड़ी करके शामिल कीजिएगा, लेकिन मैंने भूल के एक साथ ही शामिल कर दी थी। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। आप चाहें तो फिर वनीला एसेंस को स्किप कर दें अगर आपके पास नहीं। अब यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1/3 कप मेल्टेड यानी कि पिघला हुआ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1/3 कप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिघला हुआ मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज घी इस्तेमाल किया। अच्छे तरीके से हम इसको विस्क कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, और फिर इसमें हम 1/3 कप ही दूध का शामिल कर देंगे। और याद रहे आपका दूध भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डाल के इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारे पास इंग्रेडिएंट्स का बैटर रेडी हो गया है। अगर अब आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें, या ब्लेंडर में भी इसको बना सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो फिर आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून सिरका शामिल कर दें तो वो भी राइजिंग एजेंट बन जाएगा। लेकिन मुझे बेकिंग सोडा का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं इसलिए बेकिंग पाउडर डालती हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, 10 टिप्स टू बेक अ परफेक्ट केक। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप छाना हुआ मैदा ले लिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड इस्तेमाल नहीं कर रही, आप देख सकते हैं जस्ट ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और आप लोग इस बैटर को बिल्कुल भी ओवर मिक्स मत कीजिएगा, वरना केक का बैटर ख़राब हो सकता है और फिर केक अच्छा राइज नहीं होता। तो आपने जस्ट जब इस देखिए कि मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया तो फिर आप इसकी मिक्सिंग को स्टॉप कर दें। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सी कंसिस्टेंसी है। तो फिर अब हम इसको अपने केक पैन में निकाल लेंगे। यहाँ पर सर्कल केक पैन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप लोग फैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पर बटर पेपर मैंने लगाया, अगर आपके पास नहीं है तो एक सब्स्टिट्यूट की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो सारा बैटर मैं अपने पैन में डाल दूँगी। बैटर डाल के इसको हम टैप करेंगे और प्री हीटेड पतीली में इसको 55 से 60 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप चाहें तो इस ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर 20 से 30 मिनट्स के लिए। अब याद रहे आप ओवन प्री हीट हो। तो 55 मिनट्स हो चुके हैं, टूथपिक इंसर्ट करके दिखाऊंगी, केक को चेक करने के भी मैंने मेथड्स बताए हैं, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख दिया था। तो अब मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। यहाँ उसे सही तरह नहीं उतारा, तो बड़ी मुश्किल से इसको सही तरह करके उतार लेंगे हम अपने केक से। यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया। अगर आप इसे राइट वे सर्व नहीं करेंगे तो फिर आप इसके ऊपर शुगर सिरप या फिर स्वीट मिल्क लगा लें। आप देख सकते हैं इतना मज़े का राइस। अब केक को कट करते हुए मैंने पिक्चर नहीं ली क्योंकि मैंने जैसे केक को कट किया वैसे ही घर वालों ने खा लिया, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।